अगले 4 महीने नहीं होंगे कोई मांगलिक कार्य, नहीं बजेगी कोई सहनाइयां। दरअसल हिंदू धर्म शास्त्र के मुताबिक अशुद्धारंभ की शुरुआत हो जाती है, जिस दौरान लोग मांगलिक कार्य करने से परहेज किया करते हैं। हालांकि मांगलिक कार्य लोग क्यों नहीं करते हैं, क्या है इसके पीछे की वजह, आइए हम सारी जानकारी सुनवाते हैं पूर्णिया के पंडित व ज्योताचार्य श्री दयानाथ मिश्र क्या कुछ कहते हैं। कब तक नहीं हो पाएगी क्या कुछ? मांगलिक कार्य के लिए श्रावण, भाद्र, आश्विन और कार्तिक का आधा महीना शुभ कार्य के लिए वर्जित। विवाह, यज्ञोपवीत, मुंडन आदि कार्य नहीं हो सकते। फिर पौष में 16-17 दिसंबर के बाद से यह कार्य रुक जाता है। फिर 14 जनवरी के बाद से मांगलिक कार्य प्रारंभ होता है। फिर 14 मार्च के बाद से बंद हो जाता है। 14 अप्रैल के बाद से प्रारंभ होता है और वह 17 जुलाई तक चलता है। अच्छा पंडित जी, आखिर ये 3-4 महीने मांगलिक कार्य क्यों नहीं हो पाते हैं? अशुद्ध आरंभ हो जाता है, इसलिए शुद्ध कार्य इसमें मांगलिक कार्य नहीं होता।